हेलो गाइस, तो कैसे हो गाइस? तो होप सभी आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, हम फिर से आज बताने वाले हैं एक नए लव स्टोरी, जो एक बॉय की लव स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक लड़की ये स्टोरी एक लड़की की है, जो प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छी नंबर ही आते थे और वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। जैसे ही क्लास में आता था, वैसे सब टीचर उससे खुश हो जाते थे। हर टीचर से अच्छे से बात करता था और टीचर भी उसका बहुत अच्छे से बर्ताव करते थे। अब लड़का सबका कहना बोलना सुनना मानता था, तो वह लड़का बहुत अच्छा था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नंबर आते थे। जैसे तैसे दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो गया और लड़का उस क्लास से छोड़ के आगे की क्लास में चला गया और लड़कियों से भी अच्छे से बात करता था, हर किसी से बात करना चाहता था। और जैसे वो नए अगले क्लास में गया, वैसे उसे एक नई लड़की मिलती है। तो वो लड़की तो उससे अच्छी लगती है खूब बहुत, पर उनमें शुरू में तो कुछ भी बात नहीं होता। फिर धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में बात होने लगती है और फिर धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में बात करते हैं और करते 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 ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं और लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है और लड़की को भी लड़के से प्यार हो जाता है। पर ये कुछ नहीं बोल नहीं पाते। लड़की सोचती है कि लड़का खुद बोल देगा और लड़का सोचता है कि वो उसको तो प्यार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता, तो कुछ भी नहीं बोलता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और लड़के ने नहीं बोला तो लड़की सोची कि क्यों ना मैं इनके दोस्तों को ये बात बताती हूँ। वो लड़की उसके दोस्तों को ये बात बता दी और फिर उनके दोस्त फिर पूरे स्कूल में फैला दिए ये बात को। तो अगले दिन से जैसे लड़का स्कूल आता था तो उसको बहुत बेइज्जती सहना पड़ता था। इसी कारण लड़का रूठा रूठा सा रहने लगा, स्कूल भी बहुत कम आता था और उस लड़की से भी बात भी बहुत कम करता था, उससे बात भी नहीं करता था अच्छे से। और फिर ऐसे ऐसे कुछ दिन बाद वो बड़ा मुश्किल में उस क्लास को कंप्लीट किया। माना कि उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे, बस पासिंग नंबर ही आया था। तो उस लड़के ने फिर वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर वहाँ से निकल गया और फिर वो अपने ख्वाबों का सपना देखा और उसे जाके कंप्लीट किया, अपना सपना देखा, उस सपने को सच किया। उसके बाद वह लड़का बहुत अच्छा पैसे वाला धनी बन गया। उसके बाद वह लड़का उस लड़की से शादी कर लिया, क्योंकि लड़का उस लड़की से भी प्यार करता था, क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है, एक बार होता है। इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। और आज के लिए बस इतना ही। होप सभी कहाँ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।